हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए बात करते हैं गाइस हम कुछ नए टॉपिक पे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, कोशिका द्रव्य जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य क्या होता है एंड साइटोप्लाज्म क्या होता है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोशिका द्रव्य को एक प्रकार का ऑर्गेनेल्स माना जाता है जो हमारे सेल्स में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कैसा होता है, किस तरीके से होता है, चलिए बात करते हैं। देखिए जैसा कि आप हमारे डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मतलब कि सेल्स जो बने हैं, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी कोशिका द्रव्य मतलब कि साइटोप्लाज्म होती है, ये जैसे कि यहाँ पे जो जो भी पॉइंट बने हुए हैं गाइस, ठीक है, ये जो पॉइंट बने हैं ये हमारे साइटोप्लाज्म है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्या कोशिका द्रव्य। ओके गाइस, तो चलिए बात करते हैं कि कोशिका द्रव्य एंड साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, ये क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हम हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। मतलब कि कोशिका के झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर सभी पदार्थों को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, तो हम ये डिफिनेशन उन्हें बता सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर जितने भी कोशिका द्रव्य मतलब कि जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। या सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब कि सभी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है, मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली के बाहर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, चलिए, या रवेदार, ठीक है, या कैसे होता है, यह रवेदार या जेली नुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है, या पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बनता है गाइस, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये बनेगा कि कोशिका द्रव्य कैसा होता है। तो आप बता सकते हैं कि कोशिका द्रव्य जेली नुमा होता है या अर्ध तरल पदार्थ होता है और यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। ठीक है, कोशिका में 70% भाग की रचना करता है, मतलब हमारे सेल्स में ये 70% भाग की रचना करता है। इसकी रचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है, इसमें अनेक रचनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गाइस। हमारा जो कोशिका द्रव्य है वो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में सभी कोशिकांगों को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, मतलब कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के कोशिकांग जितने भी होते हैं उन्हें आप पूर्ण रूप से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देखा जा सकता है, लेकिन कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ठीक है, इन रचनाओं को स्पष्ट देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या किसी अन्य अधिक विभेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे भी होते हैं गाइस जिनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो कोशिका द्रव्य जो हमारा होता है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि कोशिका द्रव्य किस तरीके से होता है, कहाँ पाया जाता है ना। तो चलिए, आपको मैंने कोशिका द्रव्य के बारे में बता दिया है। तो गाइस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा सेल होता है, ठीक है, वो कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा सेल होता है वो कोशिका में सेल मतलब कि सेल में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य का बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, बट यहाँ से क्वेश्चन हमारे बहुत सारे पूछते हैं। जैसे कि मैं आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इसी वीडियो में बता दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि कोशिका द्रव्य कैसा होता है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि हमारा जो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है, जेली नुमा संरचना होता है। कैसा होता है गाइस, जेली नुमा संरचना होता है। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका कहाँ मतलब कोशिका में कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है। तो आप आंसर क्या बता सकते हो कि कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर मतलब कि सभी पदार्थ को कोशिका द्रव्य ही कहते हैं। तो हमारा जो मतलब कोशिका होता है, कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली के
कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली में ही कोशिका द्रव पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि कोशिकाओं में जो झिल्ली के अंदर मतलब कि झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर, है ना, झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर हमारा कोशिका द्रव पाया जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोशिका झिल्ली के अंदर के कोशिका द्रव पाया जाता है या फिर बाहर। तो आपका आंसर होगा कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली के बाहर कोशिका द्रव पाया जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये रवेदार जेली नुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव से बनेंगे। ओके गाइस, तो आप इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।